नगर निगम अब मस्टर कर्मियों की भर्ती नहीं करेंगे, कार्यों की पूर्ति आउटसोर्स कर कर्मचारी रखे जाएंगे। इसलिए हाल ही में 5 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया। इस फैसले को लेकर निगम MIC मेंबर सुधीर देगड़े द्वारा विरोध स्वरूप आयुक्त आशीष सिंह को खत लिखा गया है। वहीं निगम के कर्मचारी नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। MIC सदस्य ने इसके विरोध में निगम आयुक्त को पत्र लिखा है। MIC सदस्य ने बताया कि नगर निगम इंदौर द्वारा अभी तक राज्य शासन के मस्टर कर्मी को नियमित किए जाने वाले आदेश का पालन नहीं किया गया है, लेकिन पिछले 5 सालों में जितने लोगों को नौकरी मिली है उससे ज्यादा मस्टर कर्मियों को निकाला गया है। इससे पहले भी निगम आउटसोर्स कर चुका है। उदाहरण के तौर पर ओसवाल डाटा कंपनी, एलबीस कंपनी और व्योमटेक जैसे कॉन्ट्रैक्टर निगम को सॉफ्टवेयर डाटा दिए बिना ही चले गए। A to Z कंपनी की भी बड़ी गड़बड़ियां थी, जिसकी जानकारी निगम आयुक्त आशीष सिंह को भी है। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि जो निगम के कुछ कार्य हैं उनको ठेके पर देकर करवाए जाएंगे और उसके टेंडर भी संभवतया निकाल दिए हैं। इसी मैंने अखबारों के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा, तो मैं इस बात का घोर विरोध करता हूं कि निगम एक सेवा कार्य के लिए एक संस्था है, वो स्वशासी संस्था है, उसे सेवा कार्य अपने कर्मचारियों के माध्यम से ही करना चाहिए। जहां तक मेरा अनुभव रहा है और निगम का भी एक कटु अनुभव रहा है कि चाहे वो ओसवाल कंपनी हो या एलबीस कंपनी हो या व्योमटेक कंपनी हो, इनके जो कार्य करने की पद्धति है, इन्हें जो ठेके पे कार्य दिए गए हैं, इनके जो कार्य है उससे कभी भी निगम संतुष्ट नहीं हुआ। चाहे वो सॉफ्टेक कंपनी हो और या फिर जो ई नगर पालिका के जो अभी फिलहाल जो दी गई है उसके भी कार्य से ना निगम संतुष्ट है ना स्वयं आयुक्त भी संतुष्ट है। प्राय यह देखा गया है कि DCR में भी 5 साल 6 साल होने के बाद भी नक्शे स्वीकृति में कई प्रकार की विसंगतियां आती है। इसी प्रकार के जो स्ट्रीट लाइट के लिए जो ठेका दिया गया था उसे भी कार्य उसने ठीक नहीं किया, उसमें भी जो ठेकेदार था उसने निगम के संसाधन का उपयोग किया, निगम के संसाधनों के साथ में निगम कर्मचारियों का भी उपयोग किया, उसके बावजूद भी जो रिजल्ट आए वो काफ़ी ख़राब रिजल्ट थे। और बाद में उसको यह बदल कर स्वयं निगम ने ही वो व्यवस्था सुधारी स्ट्रीट लाइट की। इसी प्रकार से A to Z कंपनी को भी ठेका दिया गया था और A to Z कंपनी भी फेल हो गई थी और उसने भी कई भ्रष्टाचार सामने आए, साथ ही उसको भी ठेके को वापस लेकर निगम ने व्यवस्था सुधारी और व्यवस्था के साथ में No. 1 पर भी निगम आया है। और मैं समझता हूँ कि पिछले जो लगातार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि स्वच्छ भारत का, उसमें भी इंदौर के जो लगातार 3 बार No. 1 आया है वो इंदौर के कर्मचारियों, चाहे वो मस्टर कर्मचारी हो, अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, उनके मदद से ही No. 1 आया है। उस समय कोई ठेका पद्धति नहीं थी, जबकि A to Z फेल हुआ, सॉफ्टेक फेल हुआ, सिटी लूम फेल हुआ, व्योमटेक फेल हुआ है, एलबीस कंपनी ने भी हमारे साथ जो किया है सबके सामने है, ओसवाल कंपनी के भी कटु अनुभव रहे हमारे साथ में। और जो हम देख रहे हैं कि जो ई नगर पालिका के माध्यम से पिछले 1 साल से जो कार्य करने का उन्हें ठेका प्राप्त हुआ है, वो ई नगर पालिका का कार्य 1 साल में भी पूर्ण नहीं कर सका। मैं जहाँ तक देखता हूँ कि ई नगर पालिका के जो कर्मचारी है वो हर 4 महीने में बदलते हैं, जब भी उनसे कोई बैठक ली जाए तो हर 4 महीने में नए कर्मचारी नियुक्त कर रहे थे और वो भी काफ़ी अल्प शिक्षा और उन्हें कोई ज्ञान नहीं रहता। तो ई नगर पालिका का ने भी पिछले साल भर पूर्व ही काम पूरा निगम का संभाल लेना था, लेकिन आज तक वो संभाल नहीं पाई। तो ये ऐसे अनुभव है जिससे कि जो ठेका पद्धति है उस पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी जो राज्य शासन ने और निगम ने जो निर्णय लिया है कि जो कर्मचारियों के कार्य ठेके पे दिए जाएंगे वो सर्वथा अनुचित है, जिससे कि निगम की जो एक छवि बनी है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो आपदाएं आती है, जैसे अति वर्षा हो जाती है या आगजनी हो जाती है, तो उस समय भी ठेके पे कर्मचारी अपन वहाँ भेजेंगे क्या, कि वहाँ भी उस समय ठेके टेंडर निकालेंगे क्या, कि वहाँ जाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे क्या? उस समय तो जो हमारे कर्मचारी वे ही कार्य करते हैं।
इसमें निगम के कर्मचारियों में भी असंतोष हो रहा है, ये मेरे को देखने में आया है। किससे शिकायत करी है आपने? मैंने इसके शिकायत क्या, मैंने एक पत्र लिखा है कि निगम आयुक्त को कि ये जो किया है इसमें ना निगम के परिषद को विश्वास में लिया है, ना महापौर परिषद को विश्वास में लिया है, और बिना विश्वास में लिया ये ऐसा निर्णय लिया है वो अनुचित है। मैंने इसकी शिकायत हमारे निगम कमिश्नर को की। काले जी बताएं, आप यूनियन के अध्यक्ष हैं, एक जो नगर निगम का एक बड़े सबसे बड़ा मामला जो सफाई को लेकर है, हर चीज़ को लेकर जो ठेके पे जा रही है, तो आप क्या मानते हैं? देखिए, नगर निगम ने सभी संगठनों को विश्वास में नहीं लिया है और ठेके का टेंडर निकाल दिया है, NIT जारी हो गई है, उसका हमने कल विरोध कर दिया है। नगर निगम ने पहले भी A to Z कंपनी को ये सफाई का ठेका दिया था, जिन्होंने सैकड़ों अनियमितता की, बसें उनके जो वाहन थे वो कंडम होके पड़े रहे, शहर में कंडम वाहन चले, खतरा पैदा हुआ, लोकहित जो है प्रभावित हुआ, और उस कंपनी को आखिरकार नगर निगम ने A to Z कंपनी को निकाल दिया। उसने कोई डाटा नगर निगम को उपलब्ध नहीं कराया, वो जो काम करता था उसे नगर निगम इंदौर शहर के ही कर्मचारी मिलते थे। अगर इसमें कोई बाहर की कंपनी आती है तो इंदौर शहर का पंचायत, इंदौर शहर का कम्युनिटी का जो हमारा तबका है, जो समाज है, वो कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराएगा तो ठेका अपने आप विफल हो जाएगा। बहुत सारी बातें हैं जो संगठन को विश्वास में लेके करना चाहिए, वो नहीं हुई हैं। इन सब चीज़ों का MIC के द्वारा भी विरोध किया है, MIC सदस्यों ने लिखित में भी अपना कल विरोध दर्ज करा दिया है, और MIC मेंबर इसका अगर विरोध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आने वाले नगरीय निकाय पे इसका असर पड़ सकता है। आपको लगता है कि ये ठेके पे जाने के बाद निगम कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो सही? देखिए, भर्ती नियम में 77% कर्मचारी रखे गए हैं और 33% आउटसोर्सेज रखे गए हैं। अब आउटसोर्सेज अगर आपको आवश्यकता हो, हमने तो ये मांग करेंगे हम कि आउटसोर्सेज जो 33% भर्ती नियम प्रोविजन है वो समाप्त किया जाए, तो ये इस प्रकार की प्रक्रिया कभी उत्पन्न नहीं होगी। क्या समाज में कर्मचारियों में इसको लेके आक्रोश है? निश्चित रूप से आक्रोश है। क्या करेंगे यदि नहीं मानते हैं तो? देखते हैं, रणनीति तैयार होगी, पूरे यूनियन के पदाधिकारी लोग बैठेंगे, हर पहलू पे चर्चा होगी, और हम मांग करेंगे कि भाई परामर्शदार्थी जो कमेटी है वो गठित की है शासन ने, उसकी नियमित बैठक कराएं, उसमें सलाह लें, संगठन को विश्वास में लें, संगठन प्रशासन के साथ है, और अगर संगठन को साथ में नहीं लेता है प्रशासन तो निश्चित रूप से समाज विरोध करेगा, संगठन विरोध करेगा।